जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर ये दो लोग पूरी मतलब दुनिया के अंदर ऐसे हाइप पे हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। इजराइल और ईरान दोनों के दोनों आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोज खबरें आ रही हैं। अब कल जैसे खबर आई कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, 200 के 300 के करीब मिसाइल रॉकेट ड्रोन्स एकदम से छोड़े, जिसमें 99% को मार गिराया गया और सिचुएशन जो थी वो इसराइल के कंट्रोल में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई हम लगातार डिस्कस करते जा रहे हैं, ये आज की नहीं है। हर साल लगभग हम 10 से 15 इश्यूज ऐसे डिस्कस रोज कर हर साल कर लेते हैं, यानी महीने में कम से कम एक बार या कम से कम महीने के अंदर 10-15 बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई टसल हुई, लड़ाई हुई, मारधाड़ हुई, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जो एकदम से मतलब आपस में भिड़ंत क्रिएट कर रहा है। तो सवाल है असलियत में कि भाई ये है क्या और ये लड़ाई क्यों है, क्या ये आज की है? आंसर है नहीं। तो लड़ाई कब की है? ये लड़ाई असलियत में वैसे अगर हिस्ट्री के अंदर उठाकर देखेंगे तो 2000 साल पुरानी है या उससे भी पीछे जाओगे तो यहां इस इलाके में लड़ाई होगी ही होगी। लेकिन फिर भी अगर रीसेंट फॉर्म में देखें कि बिल्कुल ये जो मामला अभी का है, यहां इस अभी के मामले में हम इस लड़ाई को किस फॉर्म में देखें या किस वजह से है, तो आज का जो इसराइल ईरान वॉर है, या यूं कहें अभी हम इसे वॉर की फॉर्म में नहीं कह सकते, कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में कहते हैं कि इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें कितने कंटेंडर्स हैं, उसमें कितने रीजंस हैं। तो अगर आप इसे उठाकर देखोगे तो इमीडिएट रीजन या कॉज जो है उसे आप उठाकर देखोगे तो इलेक्शन है। अब आप कहोगे ये क्या बकवास है कि हाँ भाई बिल्कुल यही बकवास है कि अभी का जो इशू है वो सिर्फ एक इशू है और वो है इलेक्शन। इस इलेक्शन के अंदर इसराइल के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और नेतन्याहू चाहता है कि कैसे भी करके इन इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए और वो अपने आप को एक वॉरियर की फॉर्म में प्रोजेक्ट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस हो रहे हैं और जो बाइडन जिसकी रेटिंग लगातार गिर रही थी वो अमेरिका के अंदर ये प्रूफ करना चाहता है कि भाई कैसे भी करके वो अपनी रेटिंग बढ़ाए। तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप को वॉरियर की फॉर्म में प्रोजेक्ट करना चाहता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हिस्टोरिकल इशू को उठाएं तो एक कंट्रोल ओवर मिडल ईस्ट, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि मिडल ईस्ट के ऊपर ये लोग कंट्रोल चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप उठाकर देखेंगे मिडल ईस्ट के बाद तो आपको यहां पर नजर आएगा कि कैसे भी कैसे करके इस टाइम पर जो गैस रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे गैस रिसोर्सेज पर कैसे भी करके कब्जा करना है अमेरिका ने और सबने। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से यहां पर इस टाइम पर लड़ाई होने जा रही है, दोनों आपस में जम के आपस भिड़ंत होगी और लड़ाई होगी। अब आप समझिए, यहां ये एक बेसिक फिलॉसफी है वेस्ट की। वेस्ट हमेशा ये चीज चाहेगा कि कैसे भी कैसे करके इस मिडल ईस्ट को बैलेंस करे, यानी ये मिडल ईस्ट एक तरफ ना झुक जाए, क्योंकि अगर पूरा मिडल ईस्ट एक चला गया तो ऑब्वियस सी बात है यूरोप की एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगी, अमेरिका की एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगी। आप कहोगे सर ये क्या बकवास है कि अगर सारा मिडल ईस्ट एक हो गया तो यूरोप की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगी। इसे अभी देखते हैं, तभी आप DW न्यूज वालों को देखोगे तो आप देखोगे, कहो देखो इसकी हेडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडल ईस्ट। यानी ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे न्यूज मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि जानबूझकर मिडल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है, लड़ाई करवाई जाती है, ताकि और वो चाहते हैं कि लगातार ये लड़ाई होती रहे ताकि सिचुएशंस उनके कंट्रोल में रहे। मामला क्या है? मामला यहां पर ये है
कि अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर, यहां पर यूरोप के अंदर आपको एक चीज समझ में आएगी कि यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। अब यूरोप का अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज कहां है? यूरोप में है। इसमें हम जब यूरोप की बात करेंगे तो अमेरिका की भी बात करेंगे और अमेरिकन इंडस्ट्रीज की भी बात करेंगे, यह याद रखिएगा। यानी यहां यूरोप और अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। यहां अगर आप देखोगे ये ईस्ट, तो ये जो ईस्ट है ये है मार्केट, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और ये जो अफ्रीका है, यहां बहुत सारे भरे हुए हैं रिसोर्सेस। यहां समझने की कोशिश समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंडस्ट्रीज कहां है? यूरोप में। मार्केट कहां था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, इंडिया, चाइना और ईस्ट में। रिसोर्सेज कहां थे? यहां। अच्छा, उस टाइम तक ऑयल और गैस की बात हो चुकी थी, तो इस पूरे इलाके के अंदर ऑयल और गैस भर भर के, ऑयल तो कम से कम निकलना शुरू हो चुका था, इसमें कोई दो राय नहीं। और बार बार हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि ट्रेड रूट असलियत में इस इलाके से होकर जाता था। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहां पर है। नरेंद्र जी कह रहे हैं कि सर आप लेट हो गए, खबर दिन में है, ये हमारी दुश पता नहीं क्या, ये भाई आगे लंबा चौड़ा लिख रहा है। हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं क्या बताऊं, मजबूर मतलब फंस गया, मैं भूल गया यार, नहीं मतलब हो गया था मामला खराब। अब आप समझिए यहां पर मामला गया यार, अब ठीक है, इट्स ओके, मैं आदत से मजबूर हूं, क्या करूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं टाइम पे सारी काम हो जाए, लेकिन मेरा कोई काम टाइम पर नहीं होता और इतनी बुरी हालत है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ये चीज, यहां देखिए ट्रेड रूट है। अब ट्रेड रूट यहां इंपॉर्टेंट है और ऑयल गैस यहां पर है, तो सोचकर देखिए अगर ये सारे का सारा इस्लामिक कंट्रीज इधर, जिनके पास ऑयल भी है, जिनके पास गैस भी है, जिनके पास रिलीजन भी कॉमन है, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज अगर एक हो जाएं, तो इधर तो ये ईस्ट की बाजू मरोड़ के कहेंगे तुम्हें ऑयल और गैस नहीं मिलेगी, हमारी मर्जी। इधर यूरोप का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खतरे में आ जाएगा। यानी सोचकर देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रीज का सामान बनाकर बेचकर जो भी फायदा होगा, इधर बेचकर जो भी फायदा होगा और इधर से जो भी सामान बनेगा, वो सारे का सारा इस इलाके के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और यानी यहां ये सारे पैसे टैक्स वगैरह लगा के एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये इतिहास में पहले भी हो चुका है, अरब्स ने ऐसा किया हुआ है पहले, ऑटोमन्स ने ऐसा किया हुआ है पहले, और एक दो बार नहीं, लगभग लगभग 200 साल तक ऐसा ऑटोमन्स ने किया और लगभग 300-350-400 साल तक ऐसा अरब्स ने किया। तो यह कोई नया नहीं है, यह बहुत पुराना है, बहुत ही ज्यादा पुराना है इशू। और इस टेरिटरी की लोकेशन, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है कि अल्टीमेटली तुम्हारे को पता लगता रहता है कि सिचुएशन क्या है, कहां है और किस लेवल पर है, ताकि हमारे को यहां मतलब पता लगे ना। और यहीं पर स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको समझ के, सबको देख के अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस इलाके की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। यही रीजन है कि जब तक ये इलाका डिस्टर्ब रहेगा, जब तक ये इलाका कमजोर रहेगा, तब तक वेस्ट का इंडस्ट्रियलाइजेशन सेफ रहेगा और ईस्ट की मार्केट सेफ रहेंगी, और यहां अफ्रीका की जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर यूरोप का कब्जा बना रहेगा। ऐसा माइंडसेट लगातार था, लेकिन क्या ऐसा हमेशा बना रहा? आंसर है, देखो यार, हमेशा याद रखना इतना आसान नहीं होता हर चीज को जितना हम पेपर पे कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जब हम पेपर पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वो हमारा ओपिनियन होता है, लेकिन जब हम पेपर पे कैलकुलेशन करने के बाद रियलिटी के अंदर देखते हैं तो दूसरा जो फोर्स है वो भी अवेलेबल वहां पर प्रेजेंट होता है, तीसरी फोर्स भी प्रेजेंट होती है, चौथी फोर्स भी प्रेजेंट होती है, और वहां अलग 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 तरीके के चेक्स एंड बैलेंसेस आते हैं। खैर, अगर आप देखेंगे तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज कंट्रीज में यूएस और कैनेडा को छोड़ दिया जाए और रशिया को छोड़ दिया जाए, जिनके पास ऑयल प्रोड्यूसर्स आज के दिन हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो कंट्रीज यहां पर मौजूद हैं,
सऊदी अरेबिया और इराक, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, और बाकी इस पूरे इलाके में ऑयल और गैस सबसे ज्यादा। अच्छा, यहां पर दूसरी एक और चीज है, गैस। और मजे की बात यह है, गैस कहां मिली है, तो आंसर आपको देख के बड़ा अजीब लगेगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और अच्छे लेवल पर अगर गैस मिली है तो सीरिया से शुरू हो जाइए, इराक पूरे का पूरा, कुछ हद तक कुवैत, ईरान पूरे का पूरा, यहां पर ये पूरा इलाका जो है वो गैस प्रोड्यूसिंग है, यानी यहां गैस प्रोड्यूस होती है। वहीं अगर आप देखोगे यहां ये जो इलाका है यहां ऑयल प्रोड्यूस होता है, कतर के अंदर गैस मिली है, बाकी जगह पे ऑयल मिला है। अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं, अब एक लड़ाई ये भी है, ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं डर्टी फ्यूल माना जाने लग गया है। डर्टी फ्यूल का मतलब ये है कि इससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। अब क्योंकि इससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो अब पूरी दुनिया ऑयल को लगभग लगभग बायकॉट करने लग गई है, या यूं कहने लग गई है कि भैया ऑयल ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है। तो दुनिया कहां मूव कर रही है, गैस के ऊपर। तो लड़ाई गैस की है कि जिसके पास गैस होगी दुनिया में अगले 50 से लेकर 100 साल तक, कम से कम 50 से 100 साल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का दबदबा रहेगा, और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गैस किसी कंट्री के पास है तो वो ईरान के पास है। तो अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं ईरान को एक पॉसिबल कॉम्पिटिटर की फॉर्म में मान रहा है। तो यहां पर एक और, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि जॉर्डन गद्दार निकला एंड ऑल, भाई जॉर्डन गद्दार इसलिए निकला क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये सारा मामला इस्लाम से रिलेटेड है। हर वो आदमी जो ये सोचता है कि ये मामला इस्लाम से रिलेटेड है या इस्लाम का इसमें कोई रोल है, तो इतना समझ लीजिए यहां पर इस्लाम का मामला है ही नहीं, यहां इस्लाम का कोई रोल है ही नहीं, यहां सिर्फ पैसे पावर पॉलिटिक्स ये है, इस्लाम के नाम पर है, इस्लाम नहीं है, इस्लाम के नाम पर है, इसे अच्छे तरीके समझ लीजिएगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सारे के सारे इवन यूएई इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि गद्दारी वद्दारी है तो आप कहते रहो, लेकिन इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है, समझे। यहां सारा मामला इकोनॉमी का है, पैसे का है। आप इधर आ जाओ, यहां ये जब ऑयल और गैस का मामला था तो ये राजनीति कब से शुरू हुई, हमें थोड़ा ये देखना है। अब ये राजनीति कब से शुरू हुई तो इस चीज को समझो कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल नेशंस थे, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे, कहीं वो यूरोप के अंदर मौजूद थे, हम यह भी बता चुके हैं। ऑयल और गैस वो मिडल ईस्ट के कंट्री के पास थी, और बहुत ज्यादा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो थी उनके पास ऑयल और गैस थी, ईस्ट जो था वो इनकी मार्केट था, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईस्ट, इंडिया, चाइना वगैरह सारे इनके मार्केट थे। यूरोप से इंडस्ट्रीज में सामान प्रोड्यूस होता, ऑयल और गैस मिडल ईस्ट से जाता, प्रॉफिट कहां जाता, ईस्ट में। इस ऑयल और गैस के ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ था क्या नाम है, यूरोपियन कंपनीज ने। इन यूरोपियन कंपनीज ने अलग अलग तरीके से, भले ही रूलर्स तो चले गए लेकिन कंपनीज अभी भी यहां रह गई। नतीजा उसका यह था कि कंपनीज ने सब चीजों को कंट्रोल कर लिया और सारी चीजें इनके कंट्रोल में पहुंच गई। और जैसे ही यूरोप की सारी कंट्रीज का जो है, ये कंपनीज जो हैं, ये कंट्रोल कर लिया और सब चीजें यहां कंट्रोल करने में एस्टैब्लिश हो गई, तो आप अंदाजा लगाइए यहां पर सबसे पहले ईरान में 1951 में एक काम हुआ कि ईरान के शाह ने ऑयल का नेशनलाइजेशन कर दिया। ईरान के शाह ने ऑयल का नेशनलाइजेशन कर दिया और ब्रिटिश पेट्रोलियम जो कंपनी, बीपी का मतलब भारत पेट्रोलियम नहीं, ब्रिटिश पेट्रोलियम होता था, ब्रिटिश पेट्रोलियम को लात मार के भगा दिया। इसे आप अंदाजा लगाइए, लिटरली लात मार के भगा दिया। तो पहली बार यूरोपियंस को लगा कि कहीं ना कहीं ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये और ज्यादा अगर इकट्ठी हो गई या इस तरीके का बिहेवियर करने लग गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक तरफ 1951 में लात मार के भगाया और दूसरी तरफ नासिर जो था उसने श्वेज कैनाल पे कब्जा कर लिया, उसको नेशनलाइज कर दिया, ब्रिटेन फ्रांस से छीन लिया, लड़ाई भी हुई थी उसमें। यहां पर यूरोपियंस को समझ में आ गया कि इन इस्लामिक कंट्रीज को अगर कंट्रोल नहीं किया,
इनके ऊपर अपना दबदबा नहीं बनाया तो आने वाला समय इनके लिए यूरोपियंस के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। यानी वहां से उन्होंने प्लान करना शुरू किया और वो फोर्स के दम पर पॉसिबल नहीं था। यानी पहले जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले था कि कहीं भी पंगा है जाकर आर्मी भेज दो और कंट्रोल कर लो, अब पता था ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर डीप स्टेट पॉलिसीज शुरू हो गई। यहां पर कंपनीज जो थी वो और कंपनीज के साथ साथ स्टेट्स और जिसे कहते हैं एनजीओ बनाई जाने लग गई। आज जो केजरीवाल जिस एनजीओ का प्रोडक्ट है उस टाइम से चली आ रही है, पुरानी पॉलिसी है, नई नहीं है, समझ में बाद में आती है। अब हुआ क्या वो यूरोप, अच्छा इससे पहले एक काम क्या हुआ, अमेरिका को झटका तब लगा। ये एक वॉर शुरू हुई थी 1973 में, इस वॉर का नाम था यौम किपुर वॉर। यौम किपुर वॉर का मतलब यह था कि इजिप्ट का एक बड़ा हिस्सा, यहां देखो अगर इस मैप को देखोगे तो यहां आपको यह इलाका दिखाई देगा, इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, जो पहले इजिप्ट का हिस्सा होता था। 1967 में इसराइल ने हमला किया, सिक्स डे वॉर में इस सिनाई पेनिनसुला पे इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। 1973 में इजिप्ट इस पे दोबारा कब्जा करने के लिए एकदम से हमला कर देता है। नतीजा उसका यह होता है कि यौम किपुर एक तारीख थी अक्टूबर में ही, यही 7 अक्टूबर को, और यही रीजन है इस बार भी 7 अक्टूबर को ही हमला हुआ था। तो यौम किपुर वॉर शुरू होती है, इसराइल इजिप्ट के अंदर घुस के मारता है पूरी की पूरी इस को क्या नाम है सिनाई पेनिनसुला। तो पहले से कब्जे पे था लेकिन लड़ाई शुरू हो जाती है। आप देखेंगे ये रहा सिनाई पेनिनसुला, ये सिनाई डेजर्ट, ये इसराइल आज का है और यहां इसराइल की फोर्सेस इजिप्टियन फोर्सेस से लड़ रही हैं। अच्छा दूसरी तरफ यहां अगर आप देखोगे कुछ हद तक जॉर्डन की तरफ से भी फोर्सेज आई थी लेकिन यहां पर भी लड़ाई शुरू हो गई सीरिया और इसराइल। यानी तीनों तरफ से हमला इसराइल पर शुरू हो गया। इसराइल को पहले तो झटका लगा, उसके बाद इसराइल ने बहुत बुरी तरीके से इन सब कंट्रीज को धोया था और बहुत बुरी तरीके से धोया। यौम किपुर वॉर जो सिक्स डे वॉर थी उसने अरब कंट्रीज को एक बात समझा दी कि तुम इसराइल से नहीं जीत सकते चाहे कुछ हो जाए। और जब ये कहा गया कि तुम इसराइल से नहीं जीत सकते, बस वहीं पर उनके पास एक नया प्लान आया। और नया प्लान यह था यौम किपुर वॉर के बाद, नया प्लान यह था कि अब आप एक काम कीजिए, कुछ भी करके हमें एक साथ आना है। और 1974 में ऑयल एम्बार्गो लगा दिया गया, जिस चीज का यूरोप को डर था वही हुआ। पूरे यूरोप में पूरे अरब कंट्रीज और जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे मेनली इस्लामिक कंट्रीज थे, वो सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए क्योंकि अमेरिका, अच्छा निक्सन ने क्या किया था, $2.3 बिलियन उस टाइम पर $2.3 बिलियन इसराइल को हेल्प की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया था। अब इसराइल को अगर $2.3 बिलियन हेल्प कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सारे अरब कंट्रीज भड़क गए कि अमेरिका तो इसराइल का साथ दे रहा है और इसराइल हमें मार रहा है। तो अरब कंट्रीज ने क्या किया, जितने भी ये लीबिया से लेकर ईरान तक सबने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। अब जैसे ही ऑयल एम्बार्गो लगा, अरब कंट्रीज ने तेल देना बंद कर दिया, यूरोप के अंदर ऑयल क्राइसिस क्रिएट हो गया, दुनिया में ऑयल क्राइसिस क्रिएट हो गया। जो ऑयल $2 पर बैरल बिक रहा था, बाद में जनवरी 1974 में बात हुई और वो डॉलर, वो तेल हो गया $24 पर बैरल तक। अंदाजा लगाकर देखिए $24 पर बैरल, सोचिए 12 गुना। और जैसे ही 12 गुना ये तेल हुआ, सारा पैसा इन कंट्रीज के पास आने लग गया। जो यूरोप को डर था वही तो हुआ कि यहां एकदम से इन्फ्लेशन फैल गया, यहां एकदम से इन्फ्लेशन फैल गया, सारा पैसा इन देशों में इकट्ठा होने लग गया। अमेरिका को समझ में आ गई इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है, और जिसका हम यूरोपियंस को डर था वही हुआ। नतीजा क्या हुआ, यूरोप ने एक नई गेम खेली, और नई गेम क्या थी, नई गेम थी यौम किपुर वॉर के बाद ये ईरानियन रेवोल्यूशन। सबसे पहले यूरोप ने क्या कहा कि कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल खेला जाए इस्लामिक वर्ल्ड में,
और जो इस्लामिक वर्ल्ड इस्लाम के नाम पर एक है उसको शिया वर्सेस सुन्नी में कन्वर्ट कर दो, शिया वर्सेस सुन्नी। साफ कह दिया कि भैया शिया और सुन्नी में डिवाइड करेंगे। खैर जी, शिया सुन्नी में डिवाइड करने के लिए जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो तो शिया हैं, ये वाली सुन्नी है, ये सारी कंट्रीज में ज्यादातर कौन है, सुन्नी है। और क्योंकि यहां पर सुन्नी है और यहां पर ऑयल है और ऑयल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और ट्रेड रूट भी यहीं से जा रहा है, तो इन कंट्रीज को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इनको डर भी दिखाना जरूरी है। तो यहां एक रेवोल्यूशन करवाया गया 1979 में और 78-79 में। नाम था इसका इस्लामिक रेवोल्यूशन खामेनेई वाला, इस्लामिक रेवोल्यूशन। लेकिन असलियत में ये क्या था, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था ये असलियत में था ईरानियन, इसको नाम दिया गया ईरानियन रेवोल्यूशन यहां से। और मजे की बात पता है, ये जो खामेनेई था ये लंदन से ही भेजा गया था। ऐसा ही एक और आएगा और फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा और केजरीवाल भी है, सोचकर देखिए कितने आ रहे हैं। भेजा गया वो, इसलिए नया नहीं है। तुम लोग बहुत सारे कहते हो मोदी एंड ऑल, भाई देखो सीधी सी बात है, खेल दिखते हैं। मैं पागल नहीं हूं जो एक पर्टिकुलर प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं वो जिन फोर्सेस से लड़ रहे हैं वो फोर्सेस कितनी ताकतवर हैं और उन्होंने दुनिया में क्या गुल खिला रखे हैं, मैं जानता हूं। और यही बड़ा रीजन है कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट करता हूं। बहुत सारे अपोज करते हैं, भैया तुम अपोज करो, मेरे बाप का क्या जाता है, मैं सपोर्ट करूंगा और जितनी ताकत होगी उस हिसाब से सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो ताकतें हैं दुनिया के अंदर अमेरिका और यूरोप वो कितना गंदा खेल खेलती है किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी कंट्री के साथ लिटरली। खैर, इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरानियन रेवोल्यूशन हो गया। और जैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ भाई, ईरान ने हथियार उठा लिए और पूरी दुनिया में कहा कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे और वो सारे हमारे अकॉर्डिंग होंगे। पूरे अरब वर्ल्ड में क्या बताया कि ईरान सुन्नी डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है, सारे शिया डर गए। ओ माय गॉड, सुन्नी डोमिनेंस, इसका मतलब हमारा शिया, मतलब शिया डोमिनेंस एस्टेब्लिश करता है। सुन्नी डर गए कि उत्तरी सुन्नी इस तरीके से, भाई यहां पर वो सारे ईरान के अगेंस्ट अब डर रहे हैं कि ईरान ने फोर्स खड़ी कर ली, सब कुछ खड़ा कर लिया, अब कहां जाएं। सऊदी अरेबिया को कहा भाई दो काम कर, एक तो पेट्रो डॉलर शुरू कर, यानी तो डॉलर जो है ना उसी के बदले में पेट्रोल देगा, और वो हालांकि शुरू से शुरू हो चुका था लेकिन अब तो पक्का कर दे। और दूसरा, इराक में खड़ा किया गया सद्दाम हुसैन। सद्दाम कौन, सुन्नी, समझे, सद्दाम हुसैन सुन्नी, ईरान से लड़ेगा जो शिया है, समझे, किसका बंदा है, सऊदी अरेबिया का, सॉरी अमेरिका का। और सद्दाम हुसैन कहीं ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, उसके पीछे जो ऑलरेडी पहले से एक रजीम पड़ी खड़ी हुई थी, बशर अल असद, असद रजीम, जो अभी बशर अल असद है इसके बाप की, असद रजीम खड़ी थी जो इराक से लड़ने वाली थी। तो चेक एंड बैलेंस हो गया, ईरान को इराक को, ईरान को बैलेंस करने के लिए सद्दाम, सद्दाम को बैलेंस करने के लिए असद, और इधर तो पाकिस्तान है ही है, इधर पाकिस्तान है। रशिया ने देखा यहां तो ईरान तो मेरा है, नतीजा क्या, रशिया अफगानिस्तान में, अमेरिका अफगानिस्तान में, अफगान वॉर शुरू हो गया 1978 में। 1978 में अफगान वॉर शुरू करने का मतलब यह कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट अभी तक बैलेंस पावर्स का बना के बैठी हुई थी उस गवर्नमेंट को हटा के वहां डिस्टरबेंस क्रिएट करना और वहां अपने फैक्शंस क्रिएट करना। जब जब जहां डिस्टरबेंस क्रिएट होती है वहां अमेरिका का अपना एक फैक्शन हमेशा मौजूद होता है, तो वो फैक्शन क्रिएट करना था ताकि वो ईरान पर भी दबाव बनाए, रशिया पे भी दबाव बनाए, पाकिस्तान पे भी दबाव बनाए, और जिस चाइना के साथ अमेरिका दोस्ती करने जा रहा था उस पर भी दबाव बनाए। अफगानिस्तान में वॉर शुरू हो गया 10 साल लगातार, सोचिए ये सारा मामला था। अब 10 साल बाद आ जाओ, 10 क्यों, 20 साल बाद 1998। तुम कहोगे इस साल क्या हुआ, इस साल इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और इंडिया के 4-5-10 दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया वो एक डिफरेंट मैटर है। ये बंदा है अब्दुल कादिर, पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट,
यह बंदा दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ पकड़ा गया, और दुनिया में चाहे वो नॉर्थ कोरिया हुआ, चाहे वो ईरान हुआ, चाहे कोई भी हुआ, सबको इसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो इसको पैसा देता है उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स बेच देता है, अब्दुल कादिर। खैर अब ये जेल में है, क्या है उस चीज को बाद में देखेंगे, लेकिन इसने ईरान को भी न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिए। 1998 के बाद 2003-04 के आसपास तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी थी। अमेरिका अपना वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में बिजी था, तो अमेरिका चाहता नहीं था कि ईरान किसी भी तरीके का कलेश उठाए, और अमेरिका और ईरान के रिश्ते सुधरने लगे थे, और सुधरने सुधरने के शेडो के अंदर इस बंदे से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसने खरीद ली? ईरान ने खरीद ली। जब ये टेक्नोलॉजी खरीदी तो उसके बाद सिचुएशन चलती चली गई। अब आया बराक ओबामा। बराक ओबामा से पहले एक काम और हुआ था 2007। असलियत में बराक ओबामा से पहले एक काम हो गया था, और 2007 में एक रिपोर्ट आई थी जबरदस्त लेवल पर। 2007 की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सीरिया से और इराक तक, ईरान तक ह्यूज गैस रिसोर्सेज प्रेजेंट है, बहुत सारे, और ईरान को से लेकर सीरिया तक समझ में आ गया कि भाई यहां गैस है, लेकिन इसराइल में गैस नहीं मिली, लेबनन में भी मिली, इसराइल में नहीं मिली। अब गैस रिसोर्सेज यहां हैं, और दुनिया में आगे का जो भविष्य है वो गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑयल वाला जो मामला है वो कमजोर पड़ेगा, क्योंकि क्लीन एनर्जी चाहिए तो गैस, और जो खाने की रजीम है वो रशिया के सपोर्ट में आ चुकी है और चाइना के सपोर्ट में आ चुकी है, वो अमेरिका से लड़ रही है। अब ओबामा आया। ओबामा को पता है कि उसे किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, गैस पे, लेकिन उसे लड़ना किससे पड़ेगा? न्यूक्लियर। ईरान को क्या चाहिए? न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और ओबामा को क्या चाहिए? गैस। ये इसे ऐसे देखो, ये क्या चाहे कि भैया मुझे दे दे गैस, ये क्या चाहे कि मुझे चाहिए न्यूक्लियर बॉम्ब। ओबामा कहता है एक काम कर भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब आने का मतलब पूरे मिडल ईस्ट के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आना, और मिडल ईस्ट के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आने का मतलब सारे इस्लामिक कंट्री मिलकर पहले तो इसराइल को मारेंगे, फिर आपस में मारेंगे। एक काम कर, न्यूक्लियर डील करते हैं, इस न्यूक्लियर डील में तू टेक्नोलॉजी तो ले ले, लेकिन उससे बॉम्ब नहीं बनाएगा, यह पक्की बात है, क्योंकि अगर तूने बॉम्ब बनाया तो प्रॉब्लम होगी, तू बॉम्ब नहीं बनाएगा, तू टेक्नोलॉजी ले ले और उससे बिजली बना, क्लीन यूज कर, बॉम्ब नहीं बनाएगा। 2008 में यह न्यूक्लियर डील शुरू हुई। ईरान को समझ में नहीं आ रहा था कि बराक ओबामा इतना ज्यादा प्यार से कैसे बात कर रहा है। 9 के आसपास शुरू हुई, उसमें थोड़ा शक था। शक क्लियर हुआ 2010 में। बराक ओबामा कहता है एक काम कर, न्यूक्लियर डील और ऑयल एंड गैस डील दो कर लेते हैं। ईरान कहता है क्या मतलब? कहता है एक काम कर, न्यूक्लियर डील का तो मतलब यह है कि तू जम के टेक्नोलॉजी ले ले, बस बॉम्ब मत बनाइयो, और गैस और गैस डील का मतलब यह है कि हम दोनों मिलके तेरी गैस निकालेंगे और बेचेंगे। ईरान का घंटी बज गई, समझ में आ गया कि ओ तेरी ये खेल है। लेकिन शर्त यह भी थी हिडन वाली कि तू ये जो गैस है ये यूरोप को और अमेरिका को ही बेचेगा, रशिया चाइना इंडिया को नहीं बेचेगा। ईरान इस मामले में मानना पड़ेगा कि रशिया चाइना इंडिया को नहीं बेचेगा। ईरान ने कहा तेरी ऐसी तैसी, गेट लॉस्ट। गैस तो अपनी टर्म्स कर, अच्छा यहां गैस खरीद रहा था चीप में, सस्ते में, कि गैस के रेट्स मैं तय करूंगा। ईरान कहता दफा हो जा, क्योंकि ईरान ने एक चीज कैलकुलेट कर ली थी कि भले ही अभी मेरे ऊपर दबाव है, लेकिन भविष्य में यूरोप से इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना और इंडिया जाने लग गई है, पॉपुलेशन भी इंडिया और चाइना के पास है, गैस की डिमांड भी इंडिया और चाइना से होंगी, नहीं बड़ी वाली मार्केट तो दोनों इंडिया और चाइना है। भाई सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन कहां बढ़ रही थी? इंडिया और चाइना। गैस की डिमांड ज्यादा कहां होगी? यहां पर,
चाइना अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का पीक देख रहा था, 10% के आसपास ग्रो कर रहा था, और यूरोप के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो चुका था। यूरोप जो है वो 2% के आसपास था। चाइना को समझ, ईरान को समझ में आ गया कि अबे मार्केट तो इधर है, मार्केट तो इधर है, तू इधर बसा रहा मुझे, मैं नहीं आता। तो ईरान ने टारगेट बनाया चाइना और इंडिया को कि भैया हम इन दोनों देशों को गैस बेचेंगे। रशिया के पास भी बहुत गैस है, रशिया ने टारगेट बनाया कि भैया हम यूरोप को गैस बेचने की तैयारी करते हैं। बराक ओबामा को समझ में आ गया कि भैया ये बात ऐसे नहीं समझने चलने वाली। 2010 में गैस डील की बात होती है, 2011 में पूरे मिडल ईस्ट में प्रदर्शन, 2011 केजरीवाल का भी अन्ना हजारे मूवमेंट इसी टाइम पर हुआ था। यस, समझ लीजिए, अन्ना हजारे मूवमेंट इसी टाइम पर हुआ था। ये 2011 का मामला है। जैसे ये 2011 के अंदर शुरू हुआ, इस पूरे मूवमेंट को कहा जाता है अरब स्प्रिंग। पूरा अरब जला दिया, पूरा अरब शुरू से लेके आखिरी तक। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वगैरह शोर करने लगे, अबे तूने हमारा घर के पड़ोस में जला दिया, तू हमें भी जलाएगा। उसने कहा रुक जा, तेरे को नहीं जलाऊंगा, सीरिया को जलाऊंगा। जैसे ये लड़ाई शुरू हुई, ईरान सीरिया के साथ में, अरब स्प्रिंग ईरान से सीरिया पहुंचा, ईरान और रशिया आकर खड़े हो गए कहां, सीरिया के साथ में। बशर अल असद रसीम मजबूत बनी रही, नहीं गिरी। बराक ओबामा कहता रुक, फिर बताता हूं। यहां जैसे ही सिचुएशंस आई, जैसे ही यहां से सिचुएशंस आई, बराक ओबामा जिस तरीके से यहां अरब स्प्रिंग करता है, सिचुएशंस क्रिएट हुई भाई साहब, रशिया और ईरान खड़े हुए, एकदम से बराक ओबामा ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, आईएसआईएस। आज भी इस आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और इसका हेड बनाया बगदादी को, शकल देखो बगदादी। बाद में पता लगा ये बगदादी और कोई नहीं, एक ईरानियन इजराइल का एजेंट है, एलियट, ये है एलियट शेमोन, 18 साल से मोसाद के लिए काम कर रहा था, एकदम से पलटी मारी अपना दाढ़ी टोपी बना के और पहुंच गया अल बगदादी, पूरा आईएसआईएस खड़ा कर दिया और जला दिया पूरा मिडल ईस्ट। ये रीजन था, ये रीजन के दोनों के बीच में। और जब आईएसआईएस को खत्म किया गया तो यहां से खड़ा किया गया रिफ्यूजी क्राइसिस। रिफ्यूजी क्राइसिस में क्या के यहां इराक, सीरिया, सीरिया और इराक से अब लोग टर्की के रास्ते या समंदर के रास्ते अलग अलग जगहों से अरब कंट्रीज से भागते भागते कहां पहुंचे, यूरोप। और यूरोप में भी दो देश बड़े टारगेट थे, दो देश बड़े टारगेट थे, फ्रांस और जर्मनी। क्यों? क्योंकि फ्रांस और जर्मनी अमेरिका के पीछे चलने से रेडी नहीं थे। दो देश टारगेट, और ये वही दो देश थे जिन्होंने रशिया से गैस खरीदना शुरू कर दिया था और नॉर्ड स्ट्रीम नाम की गैस पाइपलाइन बना रहे थे। बराक ओबामा कहता है ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। यानी गैस डील जो बराक ओबामा की थी खत्म। बराक ओबामा का 8 साल पूरे, उसके बाद आता है 2016 एंड 17 स्टार्टिंग में ट्रंप। ट्रंप कहता है इस न्यूक्लियर डील का फायदा क्या है बे, इसमें ईरान बम बना लेगा, कूड़े में फेंक दो। ईरान कहता है यही तो बात है, तुम्हें गैस चाहिए थी, मैंने नहीं दी, तूने डील नहीं की, काम खत्म, इसका मतलब मैं फ्री। बाइडन फिर आ गया। बाइडन असलियत में यही तो चाहता है कि ईरान से पंगा हो, ईरान पे दबाव बनाए, कैसे भी करके गैस डील, न्यूक्लियर डील करनी है तो गैस डील कर। इजराइल ईरान को कैसे भी करके दबाना चाहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दूंगा। अमेरिका ये दबाव करता है कि कैसे भी करके गैस डील कर। लेकिन प्रॉब्लम अमेरिका के साथ यह है कि इस टाइम पर दो बड़े कंट्रीज ताकतवर तरीके से खड़े हुए हैं, और ईरान के साथ चाइना, तो चाइना और रशिया तो डायरेक्ट खड़े हुए हैं, ईरान के साथ इंडिया भी न्यूट्रल हो गए, ईरान को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए खड़ी हो गई, ईरान के लिए, बस यहीं से सॉरी अमेरिका के लिए। ये एक लड़ाई है, और इसीलिए एलिगेशन लगाए जाते हैं कि हमास का जो अटैक था वो
इसराइल ने खुद कराया, एक एलिगेशन है। खैर अभी यहां समझिए, जब एक सारा मामला आया और दो कंट्रीज खड़े हो गए तो अमेरिका को मानना पड़ा कि इंडिया को इग्नोर तो कर नहीं सकते। तो अभी पिछले साल क्या किया, IMEC। तो एक यहां मानना है, एक मानना है कि इस IMEC के नॉर्थ में तो हिजबुल्ला है और साउथ में हमास है, और कैसे भी करके इस हिजबुल्ला और हमास को अगर खत्म कर दिया जाए तो यह पूरा IMEC वाला कॉरिडोर फ्री हो जाएगा। और ईरान चाहता है कि यहां से जो गैस है यह पूरे एरिया पर जहां पर भी जाए उस पर ईरान का कंट्रोल हो और इसके अंदर ईरान की भागीदारी हो। दो अलग अलग चीजें साथ साथ चल रही हैं और इसी का आउटकम है कि यह लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इसमें इलेक्शन भी है, मैंने पहले बताया था। इलेक्शन क्यों, नेतन्याहू के ऊपर बहुत जबरदस्त लेवल पर एलिगेशंस हैं भ्रष्टाचार के, करप्शन के। अभी भी आप देखोगे जब हमास का अटैक हुआ तो नेतन्याहू का बेटा जो है अमेरिका के अंदर पार्टी कर रहा था, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी। नेतन्याहू कैसे भी करके इस लड़ाई को करते करते इस इलेक्शन को टालना चाहता है कि कैसे भी करके इलेक्शन टलते रहे और इसराइल को मार, ईरान को मार मार के इसराइल का हीरो बना रहे। अमेरिका में 2024 में इलेक्शन है, बाइडन जो है उसके ऊपर एलिगेशन है कि वो चाइना को कंटेन नहीं कर पा रहा, रशिया को कंटेन नहीं कर पा रहा। तो बाइडन ईरान को पीट के या किसी तरीके की ईरान को डील करने के लिए मजबूर करके अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है। ये रीजन है दोनों का, और क्योंकि दोनों का ये रीजन है तो दोनों इस लड़ाई को चाहते हैं। और ईरान जो है इस लड़ाई से पहले निकलना चाहता है, क्योंकि ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं चाहता। ईरान हमेशा चाहता है कि एक प्रॉक्सी शुरू हो, प्रॉक्सी, क्योंकि एक बात याद रखिएगा 1980 के बाद ईरान ने हमेशा एक चीज पर ध्यान दिया कि जहां जहां शिया पॉपुलेशन थी वहां वहां पर आतंकवादी ग्रुप्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स डेवलप कर लिए, और वो जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे वो आज भी ईरान के बहुत काम आ रहे हैं, हिजबुल्ला वगैरह भी बहुत सारी हैं कॉम्प्लेक्सिटीज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो वीडियो लंबा हो गया है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, बहुत सारी अदर न्यूज के लिए भी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।